हम बात कर रहे हैं इन्फीबीम की। अगर आज के दिन की बात करें तो छोटी मोटी गिरावट के साथ ही स्टॉक ने हमको क्लोजिंग दिखाई है। 38 के लेवल से जब स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है, हम देख सकते हैं 33 के लेवल पर सपोर्ट लेकर स्टॉक जो है बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ रहा है, और इस बाउंस बैक के साथ 37 के टारगेट देखने मिले, वहाँ से छोटा मोटा सेलिंग देखने के लिए मिला, लेकिन अभी तक हमको बड़ी गिरावट अब इसमें देखने के लिए नहीं मिली। आज के दिन भी ऊपर की ओर ही स्टॉक सस्टेन होते हुए नज़र आ रहा है। इमीडिएट सपोर्ट जो है 36 का लेवल, इसी के ऊपर हमको काम करते हुए नज़र आ रहा है। स्टॉक ने अप ट्रेंड दिखाया है 33 के लेवल से और ऊपर की ओर सस्टेन हो रहा है अपने हाई के आसपास। यहाँ से बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिला, तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब स्टॉक अपने अप ट्रेंड में अपने हाई के आसपास सस्टेन होता है तो ब्रेकआउट के चांस बनते हैं, और हम देख सकते हैं स्टॉक अपने हाई के आसपास है, तो यहाँ से ब्रेकआउट के चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर सपोर्ट लेवल को डिस्कस करें तो 36 का जो लेवल है इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, और जहाँ से गिरावट के साथ बाउंस बैक किया 33 का लेवल एक तगड़े और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। अब इमीडिएट जो रेजिस्टेंस फेस करने वाला स्टॉक 37 के लेवल पर, हम देख सकते हैं इसी लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है, लेकिन जिस तरह से चार्ट पैटर्न बता रहा है, यहाँ से सिग्नल जो मिल रहा है वो ब्रेकआउट का मिल रहा है। स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट कर गया 37 के लेवल को, तो अगला रेजिस्टेंस बनेगा 38 का लेवल, जहाँ से बड़ी गिरावट दिखाई थी, 33 तक का फॉल देखने के लिए मिला था। बाउंस बैक के साथ स्टॉक अपने इस हाई को ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि अभी तक हमको सेलिंग प्रेशर यहाँ बड़ा देखने के लिए नहीं मिला, तो इस अकॉर्डिंग ए भी हाई जो है 38 का लेवल ए ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। 38 के ब्रेकआउट के बाद इन्फीबीम में अगला टारगेट बनने वाला है 40 का लेवल, और 40 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो 42 से लेकर 44 तक के भी टारगेट हमको इन्फीबीम में शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।